सजदे वफा पा शहादत को नाज़ है हासिल अली के घर को। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले तमा
रसूल की सरकार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए, मुझको इनासुओं का खरीदार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए, सर जौन का हुसैन के जानू तक आ गया, सर जान का हुसैन के जानू तक आ गया, ऐसी मिले जो मौत तो सौ बार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए, रहमत पुकारती थी के जन्नत के वास्ते, रहमत पुकारती थी के जन्नत के वास्ते, एक हुर की तरह का भी गुनहगार चाहिए, एक हुर की तरह का भी गुनहगार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए, इश्क़े रसूल इश्क़े खुदा इश्क़े अहले बैत, इसके सिवा जो चाहिए बेकार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए, जब तक गमे हुसैन है रहना हमें भी है, जब तक गमे हुसैन है रहना हमें भी है, हर आईने को आईना बरदार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की।
रोशन में यतीम गोहरे अर्शे उला गिरा जलती जमीन पर पिसरे मुजतबा गिरा जख्मों से चूर खाक पवो महलका गिरा उल पड़ गया नबी रहे खैरुन निसा गिरा उल पड़ गया नबी रहे खैरुन निसा गिरा पोता है जां बला सदे किरदगार का बुझता है अब चरा हसन के मजार का बुझता है अब चरा हसन के मजार का नरगा वो शामियों का वो एक गैरत कम भाले वो आस पास वो तेगे करीब नेजे चुभोए दिल में लई नौने इस कद शबर के नौने हाल का टुकड़े हुआ जिगर शबर के नौने हाल का टुकड़े हुआ तीरों से सब छना हुआ तन गुल बदन का था कासिम का जिस्म था के जनाजा हसन कासिम का जिस्म था के जनाजा हसन का था कासिम का जिस्म था के जनाजा हसन का था गिरते ही खाक पर जो हुआ खशबो में लगा जे उदू में फतहा के बाजों का गुल हुआ माँ ने सदा सुनी तो ये दिल थाम कर कहा मेरी कमाई ने लगी शुक्र के ब्रिया मेरी कमाई ने लगी शुक्र के ब्रिया बच्चे पा मेरे महर हुई जुलजलाल की लो बीबी ओ बरा चढ़े मेरे ला बीबी ओ बरा चढ़ी मेरे ला सुनकर ये बैन रोने लगे शाह रन को चले पटक के अमा माँ बचा होश में तक हम रहा था पिसर भी बरादर भी नौ नाले थे नाले ये थे के हाय मेरे गैरते कमाल नाले ये थे के हाय मेरे गैरते कमाल अम्मू निसार जाने बरादर किधर गए तुम भी हसन का दाग हरा आज कर भी हसन का दाग हरा आज कर गए पहुंचे जो लाश इब्ने हसन पर बहाव ले सा देखा के सर को काटने वाले हैं बच्चा गुस्से से कांपने लगे अब्बास नामदार ललकार कर बड़े सिफते शेर के लगा ललकार कर बड़े सिफते
शेर के भागे उदू जो डर के तो नक्शा बदल गया, हलचल में उस यतीम का लाशा कुचल गया। भागे उदू जो डर के तो नक्शा बदल गया, हलचल में उस यतीम का लाशा कुचल गया। रोते हुए करीब जो आए शहे होता, देखे तमाम उजवे बुरे दा जुदा जुदा, हाथों से दिल पकड़ के कहा वाह मोहम्मद। उम्मत का ये सुलूक तो देखो पे खुदा, उम्मत का ये सुलूक तो देखो पे खुदा। इब्ने हसन की जान पा सदमे गुजर गए, लोना न जान कासिम नाशाद मर नाना जान कासिम नाशाद मर गए। अपनी अबाये कह के बिछा ई जमीन पर, सब चुन लिए पड़े थे जो आजा इधर उधर, कांधे पलाश ले चले अब्बास नाम, रोते हुए हुसैन भी पहुंचे करीब दर, रोते हुए हुसैन भी पहुंचे करीब दर। आवाज दी के ब्याह की हसरत निकालो, लो भाभी जान अपनी अमानत संभालो, लो भाभी जान अपनी अमानत संभालो। रल में यतीम गाहरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं अशरफ अब्बास एक तवील अरसे से पाकिस्तान भर की आज़ादारी का एक हिस्सा हूँ। मुझे ये बात कहते हुए फख्र महसूस होता है कि इस साल इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम में मुझे कराची की इमाम बारगाहों में सलाम खानी करते हुए 55 साल गुजर जाएंगे, और ख़ास तौर पर ये बात भी कहना ज़रूरी है कि इन 55 बरसों में कराची की सबसे बड़ी मजलिस जो निस्तर पार्क में मुनक़िद होती है, मैं इन 55 बरसों में बिला नागा यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़ाना सलाम पेश करता हूँ। और ये मेरी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि काम इस तरह से ऐ काश मुकद्दर आए, मौत बिस्तर पर ना आए सरे मिंबर आए। दुआ है
कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक जब तक ये सांस की आमद और शुद्ध जारी है, ये फरीज़ा जो मेरे ज़िम्मे है, मैं इसको अंजाम देने के काबिल रहूं। और आज ख़ास तौर पर मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र व सआदत का मकाम है कि अतबातुल अरबिया के तवस्सुत से मुझे ये शरफ़ हासिल हो रहा है कि मैं अमीरुल मोमिनीन मौला हज़रत अली इब्न अबी तालिब के दरबार में बनफ़्से नफीस मौजूद हूँ और इस फरीज़े की अदायगी के लिए सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अतबातुल अरबिया का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन के दरबार में हाजिर हूँ और कुछ सलाम का नजराना पेश करूँगा। चराग़े तूर जलाया है रोशनी यूं है, चराग़े तूर जलाया है रोशनी यूं है, अली ने जलवा दिखाया है रोशनी यूं है, अली ने जलवा दिखाया है रोशनी यूं है, मेरी नजर में कमी थी मगर गमे शे से, मेरी नजर में कमी थी मगर गमे शे से, एक अश्क आँख में आया है रोशनी यूं है, एक अश्क आँख में आया है रोशनी यूं है, तहे ज़मी भी उजाला है शह के मातम का, तहे ज़मी भी उजाला है शह के मातम का, वो नूर फिक्र पे छाया है रोशनी यूं है, वो नूर फिक्र पे छाया है रोशनी यूं है,
जबी पे नाम अली लिख दिया था बचपन में, जबी पर नाम अली लिख दिया था बचपन में, वो नक्श अब उभराया है रोशनी यूं है, वो नक्श अब उभराया है रोशनी यूं है, उजाला अंधेरा नजा में रुखसत हुआ जबां पर मेरी, अंधेरा नजा में रुखसत हुआ जबां पर मेरी, किसी का नाम जो आया है रोशनी यूं है, किसी का नाम जो आया है रोशनी यूं है, वफा के नूर से रोशन हुई शबे आशूर, वफा के नूर से रोशन हुई शबे आशूर, चराग शहर ने बुझाया है रोशनी यूं है, चराग शहर ने बुझाया है रोशनी यूं है, सकीना बीबी ने पहचाना सबको जिंदा में, सकीना बीबी ने पहचाना सबको जिंदा में, सरे हुसैन जो आया है रोशनी यूं है, रशीद अब ना डराएगी कोई तारीकी, रशीद अब ना डराएगी कोई तारीकी, अली ने पास बुलाया है रोशनी यूं है, चराग़े तूर जलाया है रोशनी यूं है, अली ने जलवा दिखाया है रोशनी
यूं है। الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا نفس انسانی اور اس کے تزکیے پر نفس انسانی اور اس کی تطہیر کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری تقریریں کچھ مختصر کچھ ادھوری ہو گئیں ہماری غیر متوقع حلالت کی بنا پر۔ بہر صورت جو بھی وقت رہ گیا ہے اور جہاں تک مجھے پہنچانا ہے اپنے فکر کو بتوفیق ایزدی ہم بہرحال وہاں تک پہنچ ہی جائیں گے، لیکن آج کی حد تک میں ایک اور فکر کو لیے ہوئے آپ پاس حاضر ہوں، اور وہ فکر یہ ہے کہ اس سال کچھ عجیب انداز میں ایک کنٹروورسی محرم سے پہلے کراچی میں شروع ہو گئی۔ ایک علمی بحث تھی اور اس کو میں علمی بحث ہی کی حد تک محدود کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بحث یہ تھی کہ کیا پہلی محرم کو سال ہجری کا روز اول مانتے ہوئے جشن عمومی منایا جائے کہ نہیں، اور ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا جنہوں نے مبارکباد کے رقعے تقسیم کیے کہ سال نو کا آغاز مبارک، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسی قالب دینا ہال میں ایک تجویز پیش کی تھی کہ ہم جشن سال نو برپا کریں گے، لیکن چونکہ یہاں آپ کے اجتماعات کی اطلاع کے ایم سی کو تھی، انہوں نے اپنی وسیع النظری کا اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیا اور دوسرے اجازت ناموں کو منسوخ کر دیا۔ یہ ایک بحث مستقل طور پر اس سال چھڑ گئی، اور اس میں دوسرے ممالک کے نمائندوں کے بھی نام لیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ وہ بھی حصہ لیں گے
नहीं मालूम कि वो उनकी हद तक कहाँ तक दुरुस्त बयानी से काम लिया गया। बहर सूरत जैसे जैसे वक्त गुजरता चला मुख्तलिफ अखबारात के नामा निगारों ने जो पहली मुहर्रम पर कुछ अपने मज़ामीन लिखे थे उनके इख्तबासात को लोगों ने पेश करना शुरू किया। कराची में यूं तो एक ऐसा अदब जन्म ले रहा है जिसके मुतालिक हम नहीं कह सकते कि ये अदब हमको कहाँ तक ले जाएगा। इसमें सरहद से लेके कराची तक के मुख्तलिफ तबीयतों के इंसान मौजूद हैं, सारे हिंदुस्तान से आने वाले अफराद मौजूद हैं इसी कराची में। एक नई जबान बन रही है, एक नया अदब बन रहा है, एक नई फिक्र ढल रही है। लेकिन ऐसे में हर एक गुरु अपने लिए एक अलहदा इनफरादियत को भी बाकी रखना चाहता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम से, अदबी अंजुमनों के नाम से, और हालिया कोशिश में अखबारात भी अब उसी अंदाज में काम कर रहे हैं। मेरे सामने मेरे एक करम फर्मा का अखबार है और मैं इसके मुतालिक यह चाहता हूं कि कोई गलतफहमी ना हो और बड़ी एहतियात के साथ मैं इस अखबार पर गुफ्तगू करना चाहता हूं, इसलिए कि इस अखबार ने वाकई एक दावत फिक्र नजर दी है और इस दावत पे गौर करना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि वाकई कि हमने गलती तो नहीं की। मैं थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि मेरी तकरीर के यहाँ खालिद्दीन हॉल में दो हिस्से होते हैं, एक मा कबल अज़ां एक मा बाद अज़ां, तो कबल अज़ां के हिस्से में मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको पढ़ के सुना दूँ। मेरा ताल्लुक इससे यह यूं पैदा होता है कि एक ऐसे मसले से ये मरबूत हो रहा है कि वो मसला मेरे नौजवान भाइयों के लिए बहुत अहम है। अच्छा, सबसे पहले ये हफ्त रोज़ा है, आवाज़ पख्तून इसका नाम है। हफ्त रोज़ा आवाज़ कराची से या आवाज़ पख्तून के नाम से निकलता, एक मुस्तकिल कबीला है और इनका ये लीडर है हिजरी साल 9 अज मोहम्मद हुसैन रजा या हसनैन रजा, बहरहाल मोहम्मद हुसैन रजा। ये बड़ी अजीब गरीब इल्मी बहस है मगर कोई गलतफहमी पैदा होने न दीजिए। बहुत कदीम से अक्वाम आलम अपने साल 9 के आगाज पर जश्न मसरत मनाती चली आई हैं। मिल्लत इस्लामिया भी किसी तरह पसमानदा न थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब जाती अगराज और सियासी मफाद परवरिश पाने लगे, इस्लाम की मरकजियत कमज़ोर हुई, मिल्लत इस्लामिया टुकड़े टुकड़े होकर रह गई, तो इस जश्न मसरत का भी रंग बदलने लगा। इजहार खुशनूदी की बजाय मातमी आवाज़ें सुनाई देने लगीं और अगर चेक कसरत तेदाद ने नाला व शेवन न किया और आज भी इस्लामी ममालिक की कसरत आबादी एक को मुहर्रम को साल 9 का जश्न मनाती है,
उन ममालिक में ये दिन सरकारी हैसियत से मनाया जाता है, सरकारी तकरीबात के जश्न नज़र आते हैं, शहरों में चरागाह होते हैं और कौमी परचम लहराए जाते हैं। ताहम उससे इनकार नहीं कि सिर्फ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में हिजरी साल 9 के आगाज पर हम कोई जश्न मसर्रत नहीं देखते, बल्कि जहां मिल्लत का एक काबिल जिक्र हिस्सा वावेला, गिरियाजारी और सीना कोबी से इस सालेनों का इस्तकबाल करता है, तो वहां कसरत आबादी भी खाह वावेला, गिरियाजारी और सीना कोबी न करती हो, अपने अशकाल व आमाल में उन मातम कुना से किसी तरह जुदा दिखाई नहीं देती। हकीकत यह है कि सियासी अगराज ने तारीख इस्लाम को इस कदर दागदार बना दिया है कि जब तक उसकी किसी मुनज्जम गैर जानिबदार ताकत के तहत असर नौ तदवीन न हो, इसमें के बहुत से दर्ज शुदा वाकयात मुसलमानों के नाम पर बदनुमा दाग की हैसियत में दिखाई देते रहेंगे। लेकिन वहीं हम जहां पर मुल्की, सियासी या मुआशरती मसाइल में किसी मसले पर दो राय हो सकती हैं, इख्तलाफ हो सकता है, वहां हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि हिजरी साल 9 के पुरमसर्रत मनाने पर कोई इख्तलाफ राय क्यों हो। हिजरी साल 9 का आगाज हजरत रसूल करीम के मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने से हुआ। वो इस्लाम की बरतरी और तरक्की की तरफ एक गैर मुतनाज़िया कदम था। इस मुबारक इकदाम के बाद ही इस्लाम को सरबलंदी हासिल हुई, तरक्की हासिल हुई, उरूज हासिल हुआ। फिर तारीख इस्लाम में अपनी नौइयत का यह पहला और आखिरी वाकया है। इसके तकद्दस, इसके अज़्म, इसके मफाद इस्लाम के लिए बेहतरीन इकदाम होने में न कोई कलाम है न इख्तलाफ। और फिर यही दिन है कि जिसे रहमतुल लिल आलमीन के सहाबा किराम ने मुकद्दस और मुतबर्रिक ख्याल करते हुए सन हिजरी की इब्तिदा की थी। गौर कीजिए कि आखिर एक कुम मुहर्रम हिजरी साल 9 के दिन हम जश्न मसर्रत की बजाय मातम कोना क्यों हो, या कम से कम अपनी शक्लें ही मातम कोना की सी क्यों बना लें। यह मातमी जहनीयत सदियों से दिलो दिमाग पर कुछ इस तरह मुसल्लत हो चुकी है कि हकीकत हाल को देखने के लिए अब किसी दिल में तड़प पैदा नहीं होती। हमारे उलमाए किराम मौलवी जारचवी और कालम नवीस इब्न इंशा की तारीख दानी, हमारे मौर्रकीन और हमारे दानिश्वरान हवा का रुख देखने अब कुछ ऐसे आदि हो चुके हैं, वो गलत छपा है, हवा का रुख देखने के अब कुछ ऐसे आदि हो चुके हैं कि हकीकत में उनके कलम मफलूज नजर आते हैं, उनकी जबानें गुंग दिखाई देती हैं, वो आंखें रखते हुए देख नहीं सकते और दिलो दिमाग के होते हुए किसी बुराई को रोकने की उनमें हिम्मत और जुरत बाकी दिखाई नहीं देती। ऐसे में जाहिर है कि इब्नुल वक्त दीनो जबान के शीरी और अवामी मुकर्ररीन को अपनी मनमानी का मौका मिलता है। इब्नुल वक्त दहन और जबान के शीरी और अवामी मुकर्ररीन को अपनी मनमानी का मौका मिलता है। जो कुछ उनकी जबान पर आता है या जो कुछ उनके कलम से निकलता है, सादा लौह मुसलमान उसे ही हकायक समझने लगते हैं। मिसाल के तौर पर आज ही का अखबार जंग 13 अप्रैल उठाइए, उसमें मौलवी इब्न हसन जारचवी का यह फकरा आपको दिखाई देगा कि हमारा साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और इस कुर्बानी की याद ताज़ा करता है जो फर्जंद रसूल ने करबला में पेश की थी। और वरक उल्टिए तो इब्न इंशा नामी कालम नवीस यूं गोहरिफ शानी करते दिखाई देता है कि आज इस्लामी साल का पहला दिन है, वो दिन जब हातिब ने लौह कलम को लहू के रंग में तारीख का एक गैर फानी बाप तहरीर करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। गौर कीजिए, इन दोनों ने खुद अपने हाथों अपनी तारीख दानी की लुटिया ही किस तरह डुबो दी। इब्न इंशा ने मुंदरजा तहरीर से अगर अपनी तारीख दानी का पर्दा अस्कुत चाक करके रख दिया है तो हमें इस पर कोई ताज्जुब भी नहीं। चुस्त मुरस्सा या दिलकश अल्फाज से इबारतें मुरतब कर लेने से इंसान कालम नवीस तो बन सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसे इल्म या तारीख से भी लगाव हो। अलबत्ता मौलवी जारचवी का नाम तालीम याफ्ता मुकर्ररीन की फहरिस्तों में देखते रहे हैं और कभी वहम व गुमान में भी ना आ सकता था कि एक लिखा पढ़ा आदमी यूं तारीख इस्लाम को मस्क करके रख देगा कि एक कुम मुहर्रम उस कुर्बानी की याद ताज़ा करता है जो फर्जंद रसूल ने करबला में पेश की थी। बिला जरूरत खींच तान कर
एक कुंभ मुहर्रम हिजरी साल 9 को हादी से करबला से मुंसलिक कर देना कौन सी अकलमंदी है। एक कुंभ मुहर्रम को तो करबला में कोई खास काबिल जिक्र वाकया जहूर पजीर नहीं हुआ था, फिर एक कुंभ मुहर्रम खाने कर हादिसे करबला की याद को कैसे ताजा कर देता है। और आप ये कतन क्यों फरामोश कर देते हैं कि एक कुंभ मुहर्रम उस दिन की याद ताजा करता है कि जिस दिन रसूल अकरम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी, और इस तारीख को हादिसे करबला से कोई ताल्लुक नहीं। और ये जो अहद फारूकी में सन हिजरी की सरकारी हैसियत से बुनियाद रखी गई थी, तो क्या हजरत उमर के पेश नज़र ये था कि असल वाक़े से 60 साल बाद होने वाले हादसे पर नाला व शेवन किया जाएगा। क्या हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन और हजरत मुआविया भी हिजरी साल 9 के जश्न मनाने को हादसे करबला का इंतजार कर रहे थे। और फिर हमारे मस्कूरा मौलवी और कालम नबीस को शायद इतना भी इल्म नहीं कि हादसे करबला को हिजरत नबवी के 60 साल बाद वकूअ पज़ीर हुआ था, लेकिन मातम करबला का आगाज तो हिजरत नबवी से कोई ज़ायदस 3 सदी बाद अहद मौजुद्दौला में दिखाई देता है। एक कुंभ मुहर्रम सन हिजरी का यौम में अव्वल मुसलमानों का साल 9 है। मुसलमानों को चाहिए कि जिंदा अख्वान की तरह इस पर पुरमसरत दिन को उसकी पूरी शान से मनाएं। हुकूमत इस दिन आम तातील का ऐलान करे और सदर ममलकत कौम के नाम हिजरत नबवी की रोशनी में पैगाम नशर करें। सलावत। अब जिन मबाहिस को मैं इल्मी तौर पर आपके सामने रखना चाहता था वो कुछ थोड़ा सा वक्त चाहेंगे। सबसे पहले उन्होंने दो आदमियों का तस्करा किया कि इब्ने इंशा ने यह लिखा और हजरत मौलाना इब्ने हसन जारचवी मद्दज़िल्लहू ने उनके अल्फाज में यह लिखा कि मुहर्रम करबला की याद ताज़ा करता है। तो मैं अपनी तकरीर को शुरू करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि मौलाना जारती साहब क़िबला ने जो कहा वो एक एक हर्फ सही है, और आज के बाद क़यामत तक आने वाली शिया कौम का एक एक बच्चा यही करता रहेगा। इब्ने इंशा ने जो कुछ कहा इब्ने इंशा के मुतालिक, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं कौमी जिम्मेदारियां रखता हूं और मुझे बचपन ही से यह तालीम दी गई है कि मैं अपने बैकग्राउंड में अपने पस मंज़र में वाकयात को देखूं। इब्ने इंशा के मुतालिक ज़ाती तौर पर मैं वाकिफ़ नहीं हूं, मगर इब्ने इंशा ने भी वही कहा जो अल्लामा जारचवी ने कहा, इसलिए जो जारचवी साहब क़िबला ने फरमाया इब्ने इंशा ने कहा है तो हक कहा है। ये गुफ्तगू खत्म हो। अब वो फरमाते ये हैं कि मुहर्रम की पहली को आप गम क्यों मनाते हैं, आप गम क्यों, आप यानी वो ये नहीं कहता कि मुहर्रम की पहली को मैं क्यों गम मनाता हूं। मसला मैं और आपका है, मसला मैं और आपका है, और किसी मुतमद्दिन मुल्क में कोई मैं किसी आपके हुकूक जिंदगी को कैसे मुतासिर कर सकता है। कोई मैं किसी आपके तर्ज जिंदगी, किसी आपकी सकाफत, किसी आपकी मजहबी जिंदगी के रुख को कैसे मुतासिर करता है, यह मेरे समझ में नहीं आता। और फिर अगर कोई जहालत से मुतासिर करना चाहे तो आपने मौलाना जारचवी की तारीख दानी पे हमला कर दिया, मगर यह कालकदीना हॉल के प्लेटफॉर्म से निकली हुई आवाज है, इसको बच्चा बच्चा हमारा महफूज कर ले, हमारा। मैं आपसे तो बहस नहीं करता हूं, आपका बयान मैंने हम अपने
अपने अहबाब को सुनाते हैं और सुनाते जाएंगे कि आपने ये कहा, मगर मैं आपसे मुखातिब नहीं करता हूँ, मैं हम अपने भाइयों से जो यहाँ मौजूद हैं मैं मुखातिब हूँ कि ये हम सुने। वो ये कि अगर मदीने से निकलने वाली तारीख का ख्याल किया जाता है तो वो पहली मुहर्रम नहीं है। मक्के से पहली तारीख का ख्याल किया जाता है कि रसूल मक्के से निकले, हिजरत के क्या माने हैं, मक्के से निकलना मदीने। अब दो चीजों को तय करे मौर्रिख, मक्के से कब निकले, मदीना कब आए, मक्के से कब निकले, मदीना कब आए। मक्के से निकलने की तारीख आज तक मौर्रिखीन ने हतमी तौर पर नहीं लिखी और नहीं बतला सके, न शिबली इस दौर में लिख सके न तबरी उस दौर में लिख सके। मैं नमाज के वक्त ख्याल, कैसे निकलने की तारीख का कोई इल्म नहीं, मदीना पहुंचने की तारीख का ऐलान शिबली नोमानी ने किया कि बड़ी कामयाबी के साथ मदीने के अंसार के ग्रोह में नारहाए मसरत की गूंज में खुशी के साथ शादमानी का इजहार करते हुए रसूल मदीने में दाखिल हुए। आठवीं रबीउल अव्वल का दिन गुजर चुका था, दूसरा दिन नौ रबीउल अव्वल, सीरत नबी आपके पास मौजूद है। मेरे अजीज भाई आवाज पख्तून के मुदीर, अगर इस्लाह फरमाना चाहें तो इस्लाह हाजिर है, और अगर नहीं तो फिर ये गुफ्तगू आपके लिए नहीं है। मैं अपने बच्चों को यह पैगाम दे रहा हूं, अपने अजीजों को यह पैगाम दे रहा हूं, आप मकसूद नहीं है। शुदा शुदा अगर आवाज आपके कान तक पहुंच जाए तो आप शिबली नोमानी की सीरत नबी को देखें, उसमें लिख दिया कि आठ ये तय पाया कि शिबली नोमानी की तहकीक पर नजर डाली जाए। अब रह गया ये कि निकलने की तारीख क्या है, तो मक्के से मदीने का पहले फासला तय किया जाए कि कितने किलोमीटर से, क्योंकि यही इस्तेलाह वहां आज राइज है और आज भी ऊंटों के काफिले मक्के से मदीने को कितने दिन में पहुंचते हैं। मैंने पहुंचने की तारीख इसलिए बतलाने की कोशिश की कि एक चीज जब हतमी हो जाए और फिर ये भी पता न चले कि सही तौर पर हकीकी तौर पर किस दिन घर से चले, इसलिए कि किसी मौर्रिख ने नहीं लिखा, किसी मौर्रिख ने नहीं लिखा कि एक मुहर्रम को घर से चले, वो लिख नहीं सकता था, इसलिए कि आपने कुछ देर रास्ते में क़याम किया है। ये भी तय नहीं पाया कि कितने दिन आप रास्ते में रहे, यूं भी दो दिन तीन दिन तक आपका गार में रहना साबित है, और इस तरह से मौर्रिखीन ने मुख्तलिफ वाकयात पर गुफ्तगू की है और ये बतलाने की कोशिश की है कि यह रास्ता कोई 22 दिन में तय हुआ, 25 दिन में तय हुआ, लेकिन पूरा मुहर्रम पूरा सफर रबीउल अव्वल के 8 दिन, 2 महीने 8 दिन में मक्के से निकलकर मदीने में पहुंचना खिलाफ कयास है और उसको किसी सूरत से कोई मौर्रिख साबित नहीं कर सकता। जब आपके पास तारीख का तायुन नहीं है तो फकत इस कयास से, फकत इस कयास से कि मुहर्रम पहला महीना है साल हिजरी का, फकत इस कयास से आप ये कह दें कि पहली मुहर्रम को चले थे मक्के से, ये हमारे लिए कोई हतमी तौर पर
यकीनी तौर पर सेहत फिक्र का जामिन नहीं हो सकता ये ख्याल। अब रह गया ये कि मौर्रिकीन ने नहीं लिखा, नहीं लिखा हम मौर्रिकीन को मजबूर नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह की तारीख वफात को मौर्रिकीन ने नहीं लिखा, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, कोई वजह थी नहीं लिख सके। कोई वजह थी नहीं लिख सके, नहीं मालूम। किसी ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 10 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 9 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा पहली रबीउल अव्वल, यहां तक के उसका नाम 12 वफात हो गया कि 12 दिनों में से किसी एक दिन। हमारे पास वो तारीख 28 सफर की करार पाई, 28 सफर की करार पाई, इन्हें तय पाया कि 28 सफर तारीख है। जहां यकीनी न हो तारीख निकलने की, वहां यह कह देना कि ऐसा मुबारक दिन है, इस दिन ऐसा मुबारक इकदाम हुआ था, यह आजम किया था इस्लाम के लिए, यह जरूरी था, इसलिए आप गम न बनाए मनाए, तो यह आप उसी वक्त कह सकें या कोई अकलमंद आदमी उसी वक्त कह सके जबकि यह तय करे कि इक्कुम मुहर्रम को मक्के से चले या इक्कुम मुहर्रम को मदीना पहुंचे। मदीने वालों ने जो ईद मनाई है वो 9 रबीउल अव्वल को मनाई, पहुंचने की ईद मनाई है खुशी की कि जिंदगी 9 का आगाज। तो ये तो एक रास्ता ऐसा खुला हुआ है जिसमें हम भी साथ हैं, जिसमें हम भी साथ हैं, और इसलिए साथ हैं कि उसी शिबली नोमानी ने लिखा है कि खत्मी मर्तबत की विलादत के सिलसिले में तमाम उलमाए इल्म अफलाक और उलमाए इल्म हयात ने मिलकर यह तय किया है, खुसूसन रशीद रजाए मिस्री ने यह ऐलान कर दिया है कि तमाम कैलेंडर्स देखे गए और सारी तकवीमें एक जगह की गई तो पता चला कि पैगंबर इस्लाम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई है। इससे बेहतर और कौन सी तारीख चाहिए जश्न के लिए कि विलादत का भी दिन हो, हिजरत का भी दिन हो। मैं समझता हूं कि इस पर नजर सानी फरमाए अगर जरूरत हो। अब रह गया ये कि इक्कुम मुहर्रम को क्या हिजरी सन मुकर्रर करने वालों ने 60 वर्ष पहले गम का ऐलान कर दिया था, तो फिर आपने तारीख का एक ब्लंडर किया इस सिलसिले में। वो ये किया कि जिस वक्त ऐलान हुआ था कि सन हिजरी पर हम चलेंगे, उस वक्त मुहर्रम पहला महीना नहीं था मेरे भाई, रबीउल अव्वल पहला महीना था। जब कभी ऐलान हुआ है कि हम साल हिजरी से आगाज करेंगे, तय पाया कि रबीउल अव्वल पहला महीना, तो ईद मनाइए रबीउल अव्वल में इस तरह से, और किसी तारीख को भी देख लीजिए। यानी जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया कि हिजरत के साल से हम अपने इस्लामिक कैलेंडर को शुरू करेंगे, वो रबीउल अव्वल का महीना था, मुहर्रम नहीं था। तो इस लिहाज से यहां भी इस्लाह की जरूरत है। दिल हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा नहीं, यानी एक गलती हो तो इंसान इस्लाह करे, एक आध जगह कहीं इंसान चूक जाए तो इस्लाह करे, पूरे मजमून में हर जुमले में गलती है। फिर उसके बाद कहा कि ये वाकई करबला तो 10वीं को हुआ था, 10वीं को हुआ था, हाँ 10वीं को हुआ था, इसी वास्ते 10वीं को जुलूस भी है, 10वीं को आशूर भी है। यहां पहली मुहर्रम को आशूर नहीं है, आशूरा 10वीं मुहर्रम को है, लेकिन ये तय करके कि चूंकि इस महीने में ये वाकया हुआ और हमको कुछ दिन चाहिए मुसलसल उन तस्किरों के लिए, जबकि दूसरी को हुसैन इब्ने अली करबला पहुंच रहे थे, चौथी से लश्कर पर लश्कर आ रहे थे, आज 7वीं है, 7वीं से पानी बंद हो चुका था, 9वीं को हुसैन गिर गए थे, तो रोजाना एक न एक वाकया दरपेश था। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने यह तय किया कि अगर मिल बैठना है सोचने के लिए इस कुर्बानी के मुतालिक और शहादत के मुतालिक, तो हमको 10 दिन
बैठने सोचने के लिए और फिक्र करने के लिए लाजिमी है। चुनाचे पहली मुहर्रम से उसका आगाज किया। ये तो है मसला इस बात का शाहिद कि हमने खुद तय कर लिया कि हमको 10 दिन चाहिए। ये आपके लिए कहता हूं और अपनों के लिए ये कहता हूं कि हम कोई काम बगैर नस मासूम के नहीं करते। हमारे अइम्मा ने हमको ये हुक्म दिया है कि चांद देख के ऐलान गम कर दो। इमाम रिजा का हुक्म है, इमाम जैनुल आबिदीन का हुक्म है। अब इन दो के मुकाबिल में अब कोई और अगर मुसलह पैदा हो तो वो दूसरों की इसलाह तो कर सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई इम्कान नहीं है हमारी फिक्र में कोई तब्दीली या तगैर का, इसलिए कि हम नुसूस के साथ काम करते हैं। इब्न शबीब की रिवायत पढ़ी जा चुकी है। देखा है सैयद साजिदीन ने मदीने में चांद देखा है और इसी चांद के साथ जिक्र सैयद शोदा शुरू हो गया। ये हमारे नुसूस हैं कि हम क्यों आगाज करते हैं पहली मुहर्रम से। अब रह गया ये इनके सालेनों को मुसलमानों को बहुत मसरत मना करना चाहिए, बहुत जश्न मनाना चाहिए, बड़ी खुशी करना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, मगर मुसलमान पहले सालेनों का तायुन तो करे कि साल कब से शुरू हुआ। हजरत उमर के जमाने में कब शुरू हुआ साल, पहले यह तय कर, पहले यह तय कर। गुफ्तगू खात्मे पे पहुंच रही है। एक जुमला इस पूरे तहरीर का इंतहाई डैमेजिंग है और उसको आपने सुना नहीं, मैं सुना रहा हूं आपको। यह डैमेजिंग यह है कि सियासी अगराज के तहत ऐसा किया गया, ये पॉइंट डैमेजिंग है। यानी वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि वाकई करबला पॉलिटिकल स्टंट है। यही कहना चाहते हैं कि एक इकदाम था फिक्र सियासी का कि एक ऐसी चीज सामने ला के खड़ा कर दी जाए कि मुलुकियतें हैरान हो, हुकूमतें परेशान हो, शाहियां अपने आप को बेकाब कर दें कि क्या हो गया। तो इसको उन्होंने कहा सियासी अगराज के तहत ऐसा किया गया, वरना कुछ नहीं है। अब इस पर तवील तकरीरें हो सकती हैं, मगर मेरी हद तक मैं किसी तवील तकरीर का अलालत के ज़माने में आदी नहीं हूँ। सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे वो दिन याद है कि फतह मक्का जिस दिन हो गया और उस दिन रसूल वहीं ठहर गए, वहीं ठहर गए खेमे में, तो हज़रत अबू सुफियान हज़रत मुआविया के वालिद गिरामी अपनी बीबी के पास आए, कहने लगे नबी बन गया है मोहम्मद, मोहम्मद नबी बन गया और नबुव्वत भी अजीम है। यानी वो 12,000 का जो लश्कर आया तो उनको पता चला कि नबुव्वत अजीम मिली है। और उन्होंने कहा कि मैंने सुबह को अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से भी कहा कि अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तेरा भतीजा अब बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा आदमी, मगर कहा कि अगर काश उससे पहले मैं नबी बन जाता, उससे पहले मैं नबी बन जाता तो यह बात नहीं होती। सुबह हो गई, सुबह को जब सलाम के लिए हजरत अबू सुफियान हाजिर खिदमत हुए हतमी मतवत के, तो आपने सूरत देखी और कहा आप नबी तो बन जाते मगर वही कैसे आती। हमने कहा नबी तो बन जाते मगर वही कैसे आती। तो वहां पोजीशन ये है कि बनी उमैया ने पैगंबर की नबुव्वत को पॉलिटिकल स्टंट समझा था। नबुव्वत पैगंबर को पॉलिटिकल स्टंट समझा था बनी उमैया ने, तो वाकई करबला को आज कोई पॉलिटिकल स्टंट समझे तो हम क्या करें। देखिए सूरह ज़ुख़रुफ़ की एक आयत है,
लौला नुज़िला हादल कुरान अला रजुल मिन अल क़रयतैन अज़ीम, ये कुरान ताइफ और मक्के के दौलतमंदों पे क्यों नाज़िल नहीं हुआ? ये कुरान ताइफ और मक्के के दौलतमंद आदमी जब मौजूद थे तो उन पे क्यों नाज़िल नहीं हुआ? ये कुरान की आयत है। यानी उस वक्त भी ये शुबा हो रहा था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि दौलतमंदों पर क्यों नहीं आया। तो इनके दिल और दिमाग में, इनके दिल और दिमाग में जो शुरू से दौलत परस्ती, हुकूमत परस्ती, शाह परस्ती, शहंशाहियत परस्ती दाखिल हो गई है, तो अब मुलूकियत के खिलाफ जो चीज भी आ जाए, शाही के खिलाफ जो चीज भी आ जाए, शहंशाहियत के खिलाफ जो भी इकदाम हो, वो कहेंगे कि देखो ये शहंशाही के खिलाफ एक स्टंट जा रहा है, मुलूकियत के खिलाफ एक स्टंट जा रहा है। तो इनकी सियासी जिंदगी चूंकि पॉलिटिकल स्टंट्स में गुजर रही है, इस वास्ते वो वाकए करबला को भी इसी तरह से एक स्टंट समझते हैं कि सियासी मकासद की खातिर इसको उभारने की कोशिश की गई। तो मेरे दोस्त, वाकए करबला 61 हिजरी, ये 1387 हिजरी का मुहर्रम है, यानी 1300 तकरीबन 26 बरस हो गए ना, 1326 बरस हो गए। तो इस दौरान में बड़े बड़े मारिकों से ये रोने वाले गुजरे हैं, ये मातमदार गुजरे हैं, और हर दौर में इन्होंने दुनिया को जज्ब करने की कोशिश की है, मुनाफिरत फैलाने की कोशिश नहीं की है, समझने की कोशिश कीजिए, मुनाफिरत फैलाने की कोशिश नहीं की है, जज्ब करने की कोशिश की है कि जलते हुए जुलूस को देख के कोई पूछे क्या हो गया। आपने समझा किसी का घर उजड़ गया, उसने तफसील मांगी, आपने तफसील दे दी, वो भी दो कदम साथ हो गया, पहले साल दो कदम साथ हो गया, दूसरे साल एक सबील का इंतजाम कर लिया, तीसरे साल उसके बच्चों ने मातम शुरू कर, इस तरह से आपने जज्ब करना शुरू किया। अब इस कैफियत जज्ब को कौन रोके, ये है सारी कोशिश जो वो लिख रहे हैं कि खैर ये कौम तो है ही है मगर आम मुसलमानों के चेहरों पर भी आसार बशाशत नहीं पाए जाते, आम मुसलमानों के चेहरों पर भी आसार रंज पाए जाते हैं। ये लिखने वाला लिख रहा है तो सही लिख रहा है, हक लिख रहा है, इस वास्ते कि हुसैन फकत शियों के नहीं है, हुसैन पूरी इंसानियत के हुसैन है, हुसैन पूरे मुसलमानों के हुसैन है, हुसैन सुन्नियों के हुसैन है, शियों के हुसैन है, हर मुसलमान के हुसैन है। जो भी मुसलमान हुसैन के वाकये को सुनेगा यकीनन उसके चेहरे पर आसार शादमानी नहीं पाए जाएंगे। और फिर आज आज कहीं भी किसी मकाम पे भी, कराची में किसी जगह चले जाइए, हर जगह आज ये ऐलान हो रहा है मुहर्रम की सातवीं है, मुहर्रम की सातवीं है, बच्चे प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं। तो अब अगर कोई इंसान बाफिक्र हो, बाहोश हो, बाशऊर हो, दर्दमंद दिल रखता हो और इंसान हो इंसान, तो यकीनन मुतासिर होगा, अरे हुसैन के बच्चों को पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, दरिया सामने बह रहा था और बच्चे अपने बुजुर्गों को इशारा करके कहते थे चचा जान पानी, बाबा पानी। दुनिया में इस सवाल से बढ़कर भी कोई और तकलीफ देने वाला सवाल है? हो गई गुफ्तगू अजीजों, मैंने जहमत दी, हुसैन रुख्सत आखिर के लिए आए थे, मैं इसी प्यास के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा हूं, रुख्सत आखिर के लिए आए थे, जब जाने लगे तो एक बच्ची ने दामन पकड़ लिया, एक बच्ची ने दामन पकड़ लिया, तफसील आप बाद में सुनेंगे। आपने कहा सकीना मुझे जाने दो ना, जाने दो। कहा बाबा आप बहुत दूर जा रहे हैं,
कहां सकीना, बहुत दूर का सफर है, बहुत दूर का सफर। का बाबा देर होगी आने में? फरमाया सकीना जाओ मां के जानू पर सर रखे लेट जाओ। बच्चे बाप से बहुत ज्यादा मानूस थी, बाप से लिपट गई, कहा बाबा मैं जाने नहीं दूंगा। तो हुसैन ने जो कहा वो ये कहा कि बेटी गजब की प्यास है सकीना तुझे, बहुत प्यासी है। दाइनी लाली आती के बिलमा सकीना मुझे छोड़ो, शायद मैं पानी लाऊं, शायद मैं पानी लाऊं। तो बच्ची ने घबरा के बाप को देखा, कहा बाबा चचा भी यही कह के गए थे, चचा भी यही कह के गए थे कि सकीना मैं पानी लाता हूं। भाई अली अकबर गए थे तो जब भी मुझसे यही कहा गया था कि सकीना शायद तेरा भाई पानी लाए। कहा नहीं सकीना, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, तुम यही दरवाजे के पास खड़ी रहो, दमे दरे खैमा खड़ी रहो, हम पानी की कोशिश करते हैं सकीना, शायद हम आ जाए। हुसैन गए, असर का वक्त हो गया, आफताब को गहन लग गया, जमीन को जलजला आ गया, खेमे लुट गए, बच्ची तमाचे खाई, मगर न बाबा आए न पानी आए। और रात के किसी हिस्से में जब पानी आया तो ये बच्ची घबरा के मक्तल की तरफ दौड़ी, फुपी ने दौड़ के कहा सकीना तू पानी पी ले बेटी, प्यासी बहुत।